सिलसिलेवार बम धमाके दिखाने वाली ये तस्वीर यूक्रेन के किसी शहर की नहीं है। ताबड़तोड़ ड्रोन हमले और टारगेट पर होते भीषण धमाकों की ये तस्वीरें उत्तरी इराक स्थित कुर्द लड़ाकों के सैन्य ठिकानों की है। इन्हें अमेरिका और ईयू 1984 में आतंकी समूह घोषित कर चुके हैं। तुर्की ने इन्हीं को पूरी तरह नेस्तो नाबूद करने के लिए सैन्य ऑपरेशन क्लॉलॉक को अंजाम दिया। लंबी तैयारी के बाद बीती रात हमने ऑपरेशन क्लॉलॉक चलाया। पहले से तय सभी टारगेट पूरे किए गए। हमारे सैन्य साथियों ने सफलतापूर्वक कुर्द आतंकियों के खिलाफ अपना मिशन पूरा किया। इस हमले में उत्तरी इराक स्थित कुर्द इलाकों के ठिकानों को बर्बाद करने में मिली सफलता का ऐलान करते वक्त तुर्की के रक्षा मंत्री ने बेकसूर नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने का दावा तो किया, लेकिन हकीकत ये है कि 1984 से अब तक ऐसी सैन्य कार्रवाई में करीब 10,000 से ज्यादा कुर्द लोग मारे गए हैं, जिसमें कई बार अस्पतालों, स्कूलों और नागरिकों की जान माल का नुकसान हो चुका है। वहीं कुर्द लड़ाकों की तरफ से इस हमले पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम थ्रकर।